जहरीली शराब पीने से पिता पुत्र सहित चार लोगों की मौत, कई लोग बीमार। पिता पुत्र की मौत से पूरे क्षेत्र में दहशत। डॉक्टरों की टीम पहुंची मौके पर। हरपालपुर थाने का है मामला। मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले के हरपालपुर थाना अंतर्गत ग्राम परेथा में 9 फरवरी 2021 को शीतल अहिरवार की पत्नी की 13वीं थी। 13वीं के दूसरे दिन शीतल अहिरवार और उसके बेटों ने रिश्तेदारों और कुछ गाँव के लोगों के साथ मिलकर शराब पी थी। 2-3 दिन तक यह लोग इसी तरह शराब पीते रहे। इसी बीच 13 फरवरी शीतल अहिरवार के 25 वर्षीय बेटे हरगोविंद की मौत हो गई। इससे पहले कि गांव के लोग कुछ समझ पाते, कुछ ही घंटों बाद शीतल अहिरवार की भी अचानक मौत हो गई। इन मौतों से पूरे गांव के लोग दहशत में आ गए और गम का माहौल छा गया। इसी दौरान शीतल के बड़े बेटे जयराम और गाँव के कुछ लोगों की तबीयत भी खराब होना शुरू हो गयी। आनंद फानंद में शीतल अहिरवार के बेटे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। वहीं गांव के लोगों को भी जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। जानकारी लगते ही मौके पर डॉक्टरों की टीम और पुलिस का अमला पहुंचा। चार लोगों की अचानक मौत और कई लोगों के बीमार होने से पूरे क्षेत्र में दहशत छाई हुई है। अभी तक यह नहीं पता चल सका कि यह जहरीली शराब से मौतें हुई है या फिर कुछ और कारण है। फिलहाल डॉक्टर और पुलिस अधिकारियों के लिए यह आश्चर्य का विषय बना हुआ है कि इन लोगों की मौत कैसे हुई है। खबर आने तक चार लोगों की मौतें हो चुकी थी, कई लोग बीमार हैं, कई लोग जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। मेरा नाम सुमन है, हम परेथे में रहते हैं। पहले तो दिल्ली में रहते थे, अभी जब सास की 13 हुई तो आए हैं। सास खत्म हो गई थी, ये बीमार है। वो 13 हुई ना, तो उसमें रिश्तेदार जो रहे उसमें खाना पीना होगा, दारू भी पी है इन्होंने। अब नहीं पता कि मतलब किस वजह से बीमार हो रहा है। अरे पहले मेरा देवर खत्म होगा, अरे सुबह रहने को दिखाई नहीं दिया और शाम को बस ज़्यादा तबीयत खराब हो गई, खत्म हो गए। अरे मेरा देवर छोटा और मेरा ससुर खत्म हो गया, और मेरा पति बीमार है। और हाँ पी गई है इन्होंने, 13 में भी पी गई, 13 के बाद भी पी गई एक दिन। हाँ दो की अभी, हाँ इतना ही पता लग रहा हो कि दो की है। अब आगे देखें कितनों की क्या होती है। आज ये परेठा गांव में हम लोग एसपी साहब, डीआईजी साहब और बाकी अधिकारी आए थे। पता चला था कि यहाँ कुछ डेथ हुई हैं और कुछ लोग बीमार हुए हैं, तो देखा है, लोगों से बात की, उनके परिवार वालों से बात की है। उन्होंने कुछ कारण बताए हैं, अब उस पर जो अधिकारी हैं, पुलिस के लोग हैं, ये लोग सब उस पर सारे बिंदुओं पर जाँच करेंगे। इसमें अगर किसी की गलती है या कोई मिसलीड की है, जैसा कि बातचीत में कुछ कुछ सामने आ रहा है, तो बाद में जो भी जाँच का निष्कर्ष होगा उसके अकॉर्डिंग कार्रवाई की जाएगी। सर बताइए, और 3 लोग अभी बीमार हैं, जिला अस्पताल रेफर हैं, तो उनके परिवार के भी नहीं है। तो सर क्या शराब से जुड़ा मामला हो सकता है क्या? नहीं, अभी मेरी वहाँ जो सिविल सर्जन है डॉक्टर तिवारी छतरपुर में, उनसे बात हुई थी, तो वो तो तीनों जो छतरपुर में आउट ऑफ डेंजर है, उनको कोई ऐसा इशू है नहीं। अब जरा वो थोड़ा नॉर्मलाइज हो जाए तो उनसे भी बात की जाएगी, क्योंकि अभी वो ऐसी स्थिति में ज़्यादा पूछताछ करें और उनको प्रॉब्लम हो तो उस कारण से अभी वेट करेंगे, पहले वो ठीक हो जाए। थाना हरपालपुर के ग्राम परेठा में आज डीआईजी सर, कलेक्टर सर और सभी ने यहाँ पे संयुक्त भ्रमण किया, और भ्रमण के दौरान ये तथ्य सामने आया कि जो दो घटनाएं हुई हैं उसमें किसी महिला के द्वारा काला जादू या फिर कुछ ऐसा खिला पिला के किया गया है, जिससे कि जो नेगेटिव एनर्जी है वो पूरे गाँव में व्याप्त है। तो हमारे द्वारा घर का भ्रमण किया गया है और ये प्रयास किया गया है लोगों से संवाद स्थापित करके कि जो ये अंधविश्वास है, धारणाएं हैं, उसको समाप्त करके और जो वैज्ञानिक तथ्य हैं उनको कबूल करें, जिससे कि सभी पूरा गांव शांतिपूर्ण तरीके से आगे जी सके।